काटाफोड़ में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के कारण जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काटाफोड़ द्वारा राजेश होलानी और राजाराम यादव ने नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी श्रीमती लीला सोलंकी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा नगर के बाइक रैली निकाली गई, तीखी नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता राजेश होलानी ने कहा कि कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़कर सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसके विरोध में हमने राष्ट्रपति महोदय को ईंधन की कीमत कम करवाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सतवासा जीतू सिंह की रिपोर्ट। लगातार हर चीज़ों में मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का ये महंगाई के विरोध में एक जो पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी का जो आह्वान था कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए यहाँ पर हर ब्लॉक पर एक एक ज्ञापन दिया जाए, तो हम अभी तहसीलदार मैडम को हमने कल रात को सूचित कर दिया था थाने के द्वारा। थाने पे हमने आवेदन लेकर आए थे। अभी ओईसी के तहत कांग्रेसी जन पुलिस थाने पर ज्ञापन देंगे महंगाई के विरोध में। बाकी आज हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर प्रदेश के समस्त सभी ब्लॉक स्तरों पर जो डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए, दाम कम करने के लिए, जो महंगाई आसमान छू रही है इसको कम करने के लिए आज पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर ये आंदोलन किया जा रहा है। मांग की जा रही है प्रदेश सरकार से कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाए। हर जगह पर यह सरकार सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करने के लिए प्रमुख रही है। हर दवाई, हर टीका, जो भी चीज़ मिली है उन सब चीज़ की कालाबाजारी करी गई है। सरकार ने यहाँ पर यह निर्णय नहीं लिया कि हमको इस व्यवस्था को कैसे लगाना है, परंतु यह निर्णय ज़रूर लिया कि यह टीका लगाएगा कौन, लगवाएगा कैसे, ताकि उनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।